हेलो वंस अगेन, वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एलटी साइंस का केमिस्ट्री का पोर्शन कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो चैप्टर मैंने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया, आपके सिलेबस के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया। ये हम इम्पोर्टेंस के बेसिस पे और इजिली अंडरस्टेबल चैप्टर के बेसिस पे, जहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के आ सकते हैं, उस आधार पर मैंने इस क्वेश्चन को चैप्टर को सिलेक्ट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। और ये जो भी नोट्स यहाँ पे बनेंगे, इसी के आप लोगों को जो लिंक है, वो इसका मतलब जो पीडीएफ है, वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स किस तरह की ब्रांच है? ईजी चैप्टर है, डेली लाइफ में यूज होने वाला है। तो थर्मोडायनेमिक्स, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग बात करते हैं किसकी, टेम्परेचर के मोशन की बात करते हैं। तो इस ब्रांच को कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास कुछ टर्म होते हैं, जैसे एक टर्म होता है हमारे पास सिस्टम। सिस्टम वो होता है जिसको हम यूज कर रहे होते हैं या जिसकी ऑब्जर्वेशन हम कर रहे होते हैं, जिस पे काम हम कर रहे होते हैं। जैसे अभी लैपटॉप या फोन पे आप लोग देख रहे हैं, तो वो आपका सिस्टम हो गया। उसको छोड़कर बाकी सारी चीजें क्या है, आपकी सराउंडिंग है। तो सिस्टम क्या होता है, जो आपका अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, जिस पे आप काम कर रहे होते हैं। तो अंडर ऑब्जर्वेशनल पार्ट, तो सिस्टम क्या है, अंडर ऑब्जर्वेशन। और दूसरा पार्ट क्या होता है, दूसरा पार्ट होता है सराउंडिंग। एक सिस्टम होता है और दूसरा क्या होता है, सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है, सिस्टम को छोड़कर जो भी बचा हुआ पार्ट है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सराउंडिंग। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो सिस्टम का जो छोड़ के पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, हम सराउंडिंग। वैसे बाउंड्री भी होती है, तो बाउंड्री को समझने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम की हम बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होते हैं? तो टाइप्स ऑफ सिस्टम में हमारे पास सबसे पहला आता है ओपन सिस्टम। कैसा सिस्टम? ओपन सिस्टम। तो ये कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि बस एक बार देख लोगे, रिवीजन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम में जैसे आपने एक कप चाय ली और उसको आपने खुला रखा है, ठीक है, कोई ढक्कन नहीं लगाया उसके ऊपर, ओपन है। तो ये अंदर चाय है आपके पास, तो चाय की जो स्टीम है वो बाहर जा सकती है और बाहर से कोई चीज अंदर भी आ सकती है। इसका मतलब मास सेम नहीं रहेगा, मास चेंज हो सकता है। तो चेंज इन मास क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे मान लो आपकी चाय जो थी, टोटल अमाउंट की बात करें हम, अगर उसको मास के टर्म्स में मान लें हम, तो आपने कहा कि चाय का जो वेट था हमारा वो था 20 ग्राम। अब उसमें आपने ओपन करके रखा था, कुछ डस्ट पार्टिकल आ गए उसके अंदर, तो हो सकता है उसका वेट 20.1 मिलीग्राम बढ़ जाए, ठीक है, 1 मिलीग्राम बढ़ जाए, तो चेंज हो सकता है मास, है ना। या फिर आप कहो कि सर वेपर बन बन के उसमें से जो वाटर कंटेंट था वो उड़ के चला गया, तो चाय का मास थोड़ा सा कम हो गया। तो इसका मतलब चेंज इन मास जीरो नहीं है, मास चेंज हो रहा है। तो आप कहेंगे ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास कैन एक्सचेंज, मास कैन एक्सचेंज, मास को एक्सचेंज किया जा सकता है। ऐसे ही हमारे पास एनर्जी की बात करें, तो क्या चाय ठंडी हो सकती है? बिल्कुल। तो चाय का टेम्परेचर पहले अलग है, बाद में अलग हो जाएगा। तो चेंज इन एनर्जी जीरो नहीं है, ठीक है, वो चेंज हो रही है। तो एनर्जी कैन ऑल्सो एक्सचेंज, तो एनर्जी भी क्या हो सकती है, यहाँ पर एक्सचेंज हो सकती है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं। दूसरा देखते हैं, ओपन सिस्टम के बाद आता है हमारे पास क्लोज्ड सिस्टम। अब इस चाय के ऊपर ढक्कन लगा दो, ढक के रखो इस चाय को, ठीक है। अगर आपने चाय को ढक के रखा है, ओपन सिस्टम नहीं रहा, आप कैसा हो गया, क्लोज सिस्टम हो गया, तो क्या इसमें मास में कोई चेंज आएगा? कि क्या चाय के अंदर से कोई चीज बाहर जा सकती है? क्या चाय के अंदर कोई चीज बाहर आ सकती है? कोई बाहर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब इस बार आप कहेंगे सर मास में जो चेंज है वो जीरो है, कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन चाय ठंडी और गर्म तो हो सकती है। तो आप क्या कहोगे, एनर्जी कैन बी चेंज। तो मास नो चेंज या नो एक्सचेंज कह सकते हैं,
और एनर्जी में आप कहेंगे एनर्जी तो एक्सचेंज हो सकती है, जैसे आपने एक ठंडा दूध लाके फ्रीज के अंदर से रख दिया बाहर, कुछ टाइम बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, या आपने गर्म दूध लाके रखा, ढक के रखा है आपने, तो वो आपके रूम टेम्परेचर से मैच कर जाएगा कुछ देर बाद। तीसरा आता है आइसोलेटेड सिस्टम या इंसुलेटेड सिस्टम, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम या फिर इंसुलेटेड सिस्टम, तो हम इसको आइसोलेट कर देंगे बाहर के वातावरण से, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में हमें क्या करना है कि इस बार हम लोगों ने चाय जो है एक टी कैटल के अंदर या एक थर्मल फ्लास्क में डाली है। थर्मल फ्लास्क में जानते हो आप अंदर से एक और लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है कि अंदर जो चीज रखी गई है बाहर के टेम्परेचर का उस पर कोई फर्क ना पड़े और ना ही अंदर का टेम्परेचर कहाँ जा सके बाहर। तो आप कहोगे इस बार मास में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि बंद है, और एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वॉल कैसी है, इंसुलेटेड है, जैसे हमारे बॉटल्स वगैरह होती हैं फ्लास्क, अब परमानेंट तो नहीं होता, लंबे टाइम तक तो होता ही है, ठीक। तो यहाँ पे मास भी एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। तो ऐसे सिस्टम हो गए हमारे तीन टाइप के, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो किसका एग्जाम्पल है, तो ह्यूमन बॉडी बॉडी किसका एग्जाम्पल है, क्लोज सिस्टम का। जो आप और हम हैं वो किसका एग्जाम्पल है, क्लोज सिस्टम का। अब आप कहोगे सर हम भी ओपन सिस्टम होना चाहिए कि हम सांस ले रहे हैं, तो वो एक अलग चीज है। ओपन सिस्टम का मतलब ये है कि हमारे अंदर से कोई मास खुद से एक्सचेंज तो नहीं हो रहा ना, ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में ही चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तुम ज्यादा डीप मत जाना इसमें, क्लोज सिस्टम इस तरीके से समझना है। अब उसके बाद खुद से नहीं हो रहा है, खुद से स्पॉन्टेनियस नहीं है। चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब दूसरा है हमारे पास पॉइंट कि हमारे पास दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है स्टेट फंक्शन, एक होता है हमारे पास स्टेट फंक्शन, ठीक है, एक होता है स्टेट फंक्शन और दूसरा होता है हमारे पास पाथ फंक्शन। एक होता है स्टेट फंक्शन और दूसरा क्या होता है, पाथ फंक्शन। पहचानने के लिए आते हैं पेपर में एग्जांपल सीधे, ठीक है, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है, ऐसे फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, सिर्फ डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। और पाथ फंक्शन क्या होगा, डिपेंड्स ऑन पाथ, कैसे पहुंचे हो अगर वो भी मैटर करता है, डिपेंड्स ऑन पाथ, तो उसे आप कहेंगे पाथ फंक्शन। जैसे आपको स्कूल के टीचर ने कोई होमवर्क दिया होता था, है ना, तो आप लोग बड़े हो गए, तो अगर हमें टीचर कोई होमवर्क देते हैं या आपने किसी को होमवर्क दिया, किसी बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, उसको आपने होमवर्क दिया, आपने कहा भाई कल को ये एक्सरसाइज करके लाना या इसे नोट डाउन करके लाना, अब क्या उसने कैसे नोट डाउन किया ये मैटर करता है हमारे लिए, ठीक है। अगर हमने उसे कोई काम दिया है तो हम तो नहीं पूछते तूने कितने घंटे में किया, कैसे किया, सुबह उठ के किया, रात को उठ के किया, तीन दिन पहले से किया, एक ही दिन में सब कर लिया, कुछ नहीं कहते। तो वहां पे हमें मतलब होता है बस, पहले नहीं किया था अब कर लिया, बात खत्म, कैसे किया उस पर हम नहीं जाते हैं। तो अगर हम रास्ते पर नहीं जाते हैं तो वो फंक्शन कैसे हुआ, स्टेट फंक्शन। अगर कैसे किया पूछते हो तो पूछेंगे पाथ फंक्शन। जैसे आप एक सिचुएशन ले लें, ये है जैसे, ठीक है, तो यहां पे आपने पहुंचना है, ठीक है, पहले आप यहां थे, यहां खड़े थे आप, इस हाइट पे आपने पहुंचना है, यहां से यहां तक की हाइट मान लेते हैं कितनी है, h, और आपका जो वेट है ग्रेविटी के साथ वो कितना है, mg। तो आपको पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहां पे जब आप पहुंच जाओगे इस हाइट पे, पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी एच होती है, तो हाइट तो यहाँ जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ऊपर क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऊपर हो जाएगी एम जी एच। अब ऊपर पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक तो यहां तो आप यहां से साइकिलिंग करके जाएं, ठीक है, यहां से साइकिलिंग करके पहुंचे आप एच हाइट पे। दूसरा रास्ता यह है कि आपको मैंने हेलीकॉप्टर से ऐसे छटकाया सीधे ऊपर, तो मुझे बताओ कौन से रास्ते में तुम्हें एनर्जी ज्यादा है। तो आप कहोगे सर एच हाइट पे पहुंचे हैं, नीचे एनर्जी जीरो थी, ऊपर एच है, अब चाहे पैदल जाएं उड़ के जाएं तो हाइट के हिसाब से होती है तो एनर्जी, तो
एमजीएच क्या रहेगा, सेम, यानी कि वो रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन मैं पूछूं कि मेहनत किस में लगी है, तो आप बोलोगे सर ये साइकिलिंग वाले रास्ते में मेहनत लगेगी, डायरेक्ट पहुंचा दें अगर हेलीकॉप्टर से हमें तो कम मेहनत। तो इस वाले रास्ते में आप कहोगे मिनिमम वर्क डन करना पड़ा, जबकि इस वाले रास्ते में वर्क डन कैसा है, मैक्सिमम है। इसका मतलब पाथ फंक्शन का एग्जाम्पल एक तो क्या हो गया आपका वर्क डन। दो ही एग्जाम्पल होते हैं बस, एक होता है हीट, हीट आगे जाके समझ में आएगा कि क्यों होता है। स्टेट फंक्शन में जितने बच गए सब स्टेट फंक्शन, जैसे एनर्जी, हर तरह की एनर्जी, पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, वाइब्रेशनल हो, हर तरह की एनर्जी किसमें आएगी, स्टेट फंक्शन में। आगे भी चैप्टर में जो भी एग्जाम्पल पढ़ोगे सब किसमें रख देना, स्टेट फंक्शन में। बस आपने ध्यान रखना है कि पाथ फंक्शन में दो आते हैं, वर्क और हीट। तो ये होता है हमारा स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, क्लियर। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टी। और दूसरा होता है आपका एक्सटेंसिव, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंड नहीं करती हैं, इंडिपेंडेंट ऑन, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, अमाउंट, मास, यानी कि क्वांटिटी पे, शेप पे, साइज पे डिपेंड नहीं करती हैं। और जो डिपेंड्स करती हैं वो है आपकी एक्सटेंसिव, डिपेंड्स ऑन। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपके पास ये एक बॉक्स है, ठीक है, यानी कि ये आपके लैपटॉप की स्क्रीन है मान लो या फोन की स्क्रीन है। तो मैं कहूँगा आप एक जगह पे फिंगर टच करो और मुझे बताओ, तो आपने यहाँ कॉर्नर पे फिंगर टच करी, यहाँ पे आपने बताया कि सर हमें जो टेम्परेचर पता चला, हमें टेम्परेचर पता चला कि हमारी स्क्रीन का टेम्परेचर जो है वो कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं कहूँगा यहाँ टच करो, तो आप बोलोगे सर हर जगह पे टेम्परेचर वही रहेगा, अलग अलग जगह चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे तुम्हें बॉडी का टेम्परेचर चेक करना है फीवर का, अब तुम अलग अलग तरीके से तुम कहोगे पूरी बॉडी का टेम्परेचर ओवरऑल क्या है हमारा, ठीक है। अब भले ही अब हम चेक करते हैं हीट को वैसे ही हाथ लगा के, तो कुछ पार्ट हमें ज़्यादा गर्म नज़र आता है, कुछ कम, लेकिन अगर वो तो इस वजह से होता है ना, कपड़ों की वजह से हम लेटे किस तरीके से, तो कौन से पार्ट को एयर ज़्यादा लगी, कौन से कम। तो अगर स्क्रीन की बात करोगे तो बिल्कुल ओपन रखी हुई है, ठीक है, कुछ कवर नहीं किया आपने, तो हर पॉइंट पे जब आप टच करेंगे तो सभी जगह टेम्परेचर कैसा होगा, सेम। तो क्या टेम्परेचर अमाउंट पे डिपेंड करा, नहीं करा, हर पॉइंट पे हर एक छोटे से टुकड़े का टेम्परेचर भी क्या है उसमें स्क्रीन पे सेम है। तो टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। वॉल्यूम की बात करो, साइज की बात करो, सरफेस एरिया की बात करो, अगर मैं आपके फोन स्क्रीन का छोटा सा पार्ट निकाल दूं और मैं कहूँ इसका मास बताओ, और यहां से मैं एक बड़ा पार्ट निकालूंगा पूरी स्क्रीन का मास, दोनों अलग अलग होंगे, इसका मतलब मास तो अमाउंट पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा। वॉल्यूम, अब मान लो ये स्क्रीन नहीं है आपके फोन की, चलो यहाँ ले लेते हैं, एक कंटेनर है, उसकी वॉल्यूम 5 लीटर है, मैंने कहा इसमें से आधा पानी निकाल दो, तो वॉल्यूम क्या कहोगे आप, सर डिपेंड कर रही है आधी हो जाएगी, तो वॉल्यूम आधी हो गई। लेकिन यही पानी गर्म है, मैंने कहा इसमें से आधा पानी कर दो, तो क्या पानी आधा जो है वो ठंडा हो जाएगा या गर्म हो जाएगा, और उतना ही रहेगा टेम्परेचर उसका, तो टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आता है डेंसिटी। डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी है, आपने एक जूस बनाया, शेक बनाया आपने, इसमें शेक आपने बनाया, तो आपको पता है कि वो कितना थिक है, मतलब कितना गाढ़ा है, तो क्या उसके गाढ़ेपन में या उसकी थिकनेस में कोई कमी आती है अगर आप उसको आधा कर देते, आप एक चम्मच निकालो या एक ग्लास निकालो या पूरा जग का जूस वैसे ही पी लो, वो उतना ही थिक लगेगा, उतना ही गाढ़ा लगेगा, यानी कि डेंसिटी भी डिपेंड नहीं करती है। प्रेशर, अभी जब आप जिस रूम में बैठे हैं आपके साथ कितने ही लोग हैं, एक कमरे में 100 लोग हों या 50 लोग हों, सभी पे लगने वाला प्रेशर क्या होगा, 180 होगा, सेम। तो रूम का प्रेशर भी कितना होगा, 180, हम जोड़ेंगे नहीं वहां पर। तो प्रेशर भी कैसी प्रॉपर्टी है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर हम एनर्जी की बात करें तो हर टाइप की एनर्जी किसमें आ जाती है, आपकी एक्सटेंसिव पे। जैसे मैंने तुम्हें कार्बन दिया, कोयले का एक टुकड़ा दिया इतना बड़ा, इसको जलाने में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, मतलब ज्यादा एनर्जी मिलेगी हमें, एक इसके कंपैरिजन में
एक छोटा सा टुकड़ा लिया तो उससे कम एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी क्या है, दोनों के लिए अलग अलग है, अमाउंट पे डिपेंड कर रही है। लेकिन हाँ, अगर मैंने सिर्फ एनर्जी ना बोलकर क्या बोल दिया, मोलर एनर्जी, तो मोलर एनर्जी का मतलब है मैं एनर्जी बता रहा हूँ एक मोल की। अब चाहे तुम लकड़ी का टुकड़ा इतना बड़ा लाओ या इतना बड़ा लाओ, मैं तो सिर्फ एक मोल का आंसर बता रहा हूँ। तो एक मोल कार्बन को जलाने पर जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो हर पीस में से सेम ही होगी। तो एनर्जी हो, इंथैल्पी हो, एंट्रोपी, अगर किसी के आगे मोलर लगा दिया या पर मोल कह दिया, जैसे वॉल्यूम है मोलर वॉल्यूम कहूँ तो मोलर वॉल्यूम, तो मोलर वॉल्यूम क्या होती है 22.4, वो तो फिक्स होती है। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बदलता है क्या अमाउंट के साथ? नहीं बदलता है, वो तो उसे बॉइल करने में टाइम लगता है बस। बॉइल तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा अगर वाटर है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कैसी प्रॉपर्टी है फिर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और फ्रीजिंग पॉइंट भी वही होता है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी कैसी प्रॉपर्टी है आपकी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। पीएच वैल्यू, आपने कहा सर हमारे पास एसिड है HCl और आपने कहा पीएच वैल्यू 1 है, तो क्या उसमें से अगर आधा उसको आधा कर दोगे, एक चम्मच कम कर दोगे, तो क्या पीएच वैल्यू कम हो जाएगी? नहीं होगी, पीएच वैल्यू उतनी ही रहेगी। तो पीएच भी कैसी प्रॉपर्टी है, एक इंटेंसिव। आई होप क्लियर हो गया होगा किस तरीके से मैं अप्रोच करा रहा हूँ। तो जिस एग्जाम्पल के बारे में तुम जानते होंगे तुम उसके बारे में आंसर कर सकते हो, तो वो प्रॉपर्टीज आप डिसाइड करते हैं, कर सकते हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के बेसिस पे, ठीक है। एक फॉर्मूला पकड़ा देते हैं तुम्हें यहां से, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा क्या होता है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी आती है। तो ये कब काम आता है, जब हमें प्रॉपर्टी तो नहीं पता होता है लेकिन उसका फॉर्मूला पता होता है, तो तब हम इसे यूज कर पाते हैं। जैसे आपने कहा मास और वॉल्यूम दोनों डिपेंड करते हैं अमाउंट पे, लेकिन इसका जो रेशियो है डेंसिटी वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, तो ये हुआ इंटेंसिटिव इंटेंसिव। ओके, नेक्स्ट में आते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बहुत सिंपल पॉइंट कहता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, बना भी नहीं सकते हो, नष्ट भी नहीं कर सकते हो, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये तो नाइन्थ से सुनते आए हो आप। इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू या वन बॉडी टू अनदर। तो एक से दूसरे को इसे ट्रांसफर किया जा सकता है लेकिन कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे आप और हम एनर्जी है, ठीक है, तो अगर हमें जला दिया जाए या हमें दफना दिया जाए तो हम कन्वर्ट हो जाएंगे किसी ना किसी टाइप की एनर्जी में, किसी ना किसी टाइप की एनर्जी में, ठीक है। तो हमें बनाया भी नहीं जा सकता और खत्म भी नहीं किया जा सकता है, हम किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म होती है, ठीक है। तो मैथमेटिकल फॉर्म समझाने के लिए मैं समझाता हूँ आपको एक फॉर्मूला, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, या फिर डेल्टा U की जगह आप लिख सकते हैं डेल्टा E, Q प्लस W, जहाँ पे डेल्टा E क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, समीशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, सारी एनर्जी के सम को क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। अब देखो इंटरनल एनर्जी का चेंज हम बता सकते हैं, इंटरनल एनर्जी हम नहीं बता सकते हैं। अगर आपके हाथ ठंडे हैं, खुद सोचो अगर तुम्हारे हाथ ठंडे हैं तो तुम उसे कैसे गर्म करोगे, दो तरीके हैं, एक तो अपने हाथ को ऐसे ऐसे रब करोगे, ठीक है, आवाज आ रही होगी, ठीक, तो ऐसे अपने हाथ को रब करोगे, तो हाथ को रब करने से आपके हाथ गर्म होने लगेंगे, तो आपने वर्क डन किया, काम किया। दूसरा ये है कि
कि आप अपने हाथ आग में सेकोगे जहां से भी हीट प्रोड्यूस हो रही हो। तो दो तरीके हैं आपके हाथ की एनर्जी को चेंज करने के। एक एक तरीका क्या है, डायरेक्ट हीट सप्लाई की जाए, और दूसरा क्या किया जाए, वर्क डन। यही मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज या तो हीट सप्लाई करके किया जा सकता है या फिर वर्क डन करके किया जा सकता है। तो यही फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले को हमें अलग अलग कंडीशन पे लगाना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा ई, चलो बीच में लिख देते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। पहली कंडीशन, पहली प्रोसेस है, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, आइसोथर्मल। यहां से तो बहुत प्रोबेबिलिटी की सवाल मिल जाए, ये जो याला पेज होगा अब हमारा आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल क्या होता है, आइसोथर्मल वो प्रोसेस होती है जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है हमारा, कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर तुम्हारे हाथ का टेम्परेचर बदला ही नहीं तो क्या तुम्हारे हाथ में एनर्जी में कोई चेंज आया, आप बोलोगे नहीं। तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है, जीरो। फॉर्मूले में रख दो तो क्या आ जाएगा, जीरो इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, मतलब क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस डब्लू। अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ है और तुम कहते हो कि सर हमने तो एनर्जी दी है, इसका मतलब उसने एनर्जी से कुछ काम कर लिया है, वर्क डन में खत्म कर दिया। इमेजिन करो आपके हाथ में मैंने एक आइस क्यूब लाकर रख दी, ठीक है, आइस का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, आपके हाथ से उसने एनर्जी ली और वो मेल्ट हुई। जब वो मेल्ट होगी तो उसका टेम्परेचर तब भी 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, अभी तापमान नहीं बढ़ा है, अभी तो उसने अपनी स्टेट चेंज करी, उसके बाद बढ़ेगा टेम्परेचर। तो अब वो पानी बन चुकी है आपके हाथ में, अभी भी वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और जब सॉलिड में थी तभी भी 0 डिग्री सेल्सियस में। तो क्या टेम्परेचर बदला, नहीं। तो आप बोलोगे आइसोथर्मल में, बिल्कुल। तो क्या एनर्जी में चेंज आया, पानी तो गर्म हुआ ही नहीं, तभी तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्यू किसमें बदल गया, आपके हाथ से जो उसने एनर्जी ली थी उसमें क्या करा, उसने वर्क डन, अपने आप को फैला दिया, सॉलिड से किसमें चला गया, लिक्विड में। तो ये एविडेंस है इस फॉर्मूले का। चलो दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है आइसोकोरिक। क्या होती है, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में होता है कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब डेल्टा वी क्या है, जीरो है, तो वर्क डन भी जीरो होता है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है, मैंने बताया नहीं, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। वर्क डन का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर चेंज इन वॉल्यूम ही जीरो है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो फॉर्मूले में रखो तो क्या मिलेगा तुम्हें, यहां से तुम्हें यहां से मिलेगा डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू, और यहां पे छोटा सा वी लगा दोगे, इसका मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर, एक एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई की गई हीट किसके बराबर होती है, इंटरनल एनर्जी। तो अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं और आप कहते हैं कि हम इंटरनल एनर्जी में चेंज करना चाहते हैं, तो सिर्फ आप हीट सप्लाई कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। थर्ड केस, थर्ड आता है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक, आइसोबैरिक में क्या होता है, आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोबैरिक में क्या होगा, आपका प्रेशर कांस्टेंट। अब प्रेशर कांस्टेंट इसका मतलब चेंज इन प्रेशर जीरो, लेकिन यहां कुछ भी जीरो नहीं होगा क्योंकि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू होता है, और डब्ल्यू तो क्या होता है, पी इंटू डेल्टा वी। तो पी थोड़ी है जीरो, डेल्टा वी जीरो होता है तब जीरो होता, तो कोई भी यहां पे जीरो नहीं होने वाला है। तो क्यू प्लस क्या, पी इंटू डेल्टा वी या फिर डब्ल्यू लिख सकते हो, मैंने दोनों लिख दिए। तो क्यू प्लस डब्ल्यू दोनों ही जिंदा रहेंगे। तो अगर आइसोबैरिक प्रोसेस है तो वहां पर हीट भी दी जा सकती है और वर्क डन भी किया जा सकता है। तो आइसोबैरिक है तो यहां पर प्रेशर लगा देते हैं पी। अब आते हैं फोर्थ प्रोसेस में, इसको बोलते हैं एडियाबैटिक। एडियाबैटिक, ठीक है, मिलाने मिलान करने वाले भी आ जाते हैं इससे। एडियाबैटिक में क्या होता है, हीट सप्लाई, हीट एक्सचेंज जीरो, ना ही आपके सिस्टम से हीट बाहर आएगी ना ही आपके सिस्टम से हीट अंदर जाएगी, सिस्टम में जाएगी। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। इसको बोलते हैं एडियाबैटिक वर्कडन। तो एडियाबैटिक वर्कडन किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल। दो प्रोसेस और हैं, इसके बाद होता है हमारा फ्री एक्सपेंशन।
एक प्रोसेस है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब है, फ्री क्यों कहा गया इसे, जिसके अगेन हमें फैलना है। एक्सपेंशन मतलब फैलना है, तो वो अगेंस्ट में कोई है ही नहीं। मतलब एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, जीरो। जैसे स्पेस में आप लोग देखते हैं लोगों को तैरते हुए, है ना, तो अपोज करने वाला कोई है ही नहीं, तो फ्रिक्शन नहीं बनेगा, कुछ अगेंस्ट नहीं होगा। किस पे, किसके अगेंस्ट काम करोगे? तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर ही जीरो हो गया, निर्वात है, वैक्यूम है, ठीक है, तो उस टाइम पर आप बोलोगे कि कोई प्रेशर नहीं है, तो कोई भी वर्क डन नहीं किया जाना है, कोई मेहनत नहीं करनी है आपको, तुम अकेले ही दौड़े हो रेस में, ऐसा है। ठीक है, जैसे एलटी एग्जाम के लिए तुम अकेले ही हो और एक ही सीट पर तुम ही हो, तो क्या तुम्हें कोई एफर्ट लगाने पड़ेंगे? नहीं लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल प्रेशर जीरो, तो कोई भी वर्क डन नहीं करना है। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज सिर्फ किससे किया जा सकता है? हीट सप्लाई करके। उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस। अगर प्रोसेस कैसी हो, साइक्लिक हो, यानी कि जहां से शुरू करते हो वहीं पे पहुंच जाते हो, तो आपने यहां से चलना शुरू करा और घूम के यहीं आ गए, तो क्या कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ? नहीं हुआ, तो वर्क डन कितना हुआ? जीरो। तो अगर वर्क डन जीरो है, यहां से शुरू किया यहीं पहुंच गए, तो वर्क डन जीरो है, तो डेल्टा ई किसके इक्वल हो जाता है? क्यू के इक्वल हो जाता है। तो ये पांच आपकी प्रोसेसेस हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले की दो आपकी चार मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसमें हम बात करेंगे वर्क डन की। वर्क डन से पहले हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में भी जान लेते हैं। तो दो तरह की प्रोसेस होती है हमारे पास, एक होती है आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरी होती है आपकी इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, तो जैसा नाम से आपको लग रहा है कि रिवर्सिबल मतलब दोनों डायरेक्शन में, इरिवर्सिबल मतलब एक डायरेक्शन में, बिल्कुल वैसा है, थोड़ा सा अलग तरीके से समझेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, वो प्रोसेस जो कैसी हो, स्लो हो। इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब वो जो फास्ट हो। अगर आपने कोई चेंज बहुत स्लो किया है, तो आपके पास वापसी का रास्ता है। जैसे आपसे किसी काम को करना कहा, करने के लिए कहा गया, और तुमने बहुत ही स्पीड दिखाई, तुमने जल्दी से उसको कर दिया, फिर एकदम से किसी ने कहा रुके रुके मत करना, अभी तुम कहो कि हमने तो कर दिया, तो वो चेंज कैसा हो गया? रिवर्सिबल। अब आप कहो कि आप कुछ नहीं किया जा सकता। मैंने कोई सी चीज को, जैसे तुम्हारे, तुम दो दोस्त साथ में बैठे हो, ठीक है, छत के किनारे पे बैठे हो, किसी ने मजाक में तुमसे कहा फेंक दे इसको, इसने बहुत परेशान करा, तुमने फेंक दिया, तो वो प्रोसेस कैसी हुई? फास्ट हो गई, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। स्लो में क्या होता, तुम हाथ पकड़ के फेंक दू करके धीरे धीरे उसको धकेलते, फिर लास्ट मोमेंट में मैं कह देता नहीं रहने दे, तो वो प्रोसेस है स्लो, यानी कि वापसी का रास्ता है। आई होप क्लियर रहेगा। तो किसमें मेहनत लगेगी, स्लो प्रोसेस में या फास्ट प्रोसेस में? किसमें धक्का देने में तुम्हें टाइम लगेगा? ठीक है, हल्के हल्के फेंकोगे तो रोकना पड़ेगा ना तुम्हें, तो हल्के हल्के फेंकने में वर्क डन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। किसी ऑब्जेक्ट को तुम धीरे धीरे उठाओ, जैसे जिम जाने वाले बॉयज जो होते हैं या गर्ल्स जो भी जाते हैं, तो किसी चीज को जब आप लिफ्ट करते हो तो बहुत स्लो स्लो करते हो, तो मेहनत ज्यादा लगती है। जल्दी से उठाते हो तो कम, या घर पे भी आप कोई चीज भारी होती है तो जल्दी से उठा के रख देते हो, हट 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 ऐसा कहते हो ना। लेकिन अगर आपसे कहा जाए हल्के हल्के उठाओ और हल्के हल्के ले जाओ, तो आपको ज्यादा थकान लगेगी। तो फास्ट प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? मिनिमम। इसलिए तो कहा था पाथ फंक्शन, रास्ते अलग अलग, तरीके अलग अलग, तो वर्क डन भी अलग अलग। अगर आपका पास मैक्सिमम वर्क डन है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। साइन यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो 2.303 आर टी लॉग वी टू अपॉन वी वन इंटीग्रेट किया गया है। जबकि अगर वर्क डन मिनिमम है, तो मिनिमम वर्क डन में जो अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था, एक्सटर्नल प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ पे भी साइन प्लस और माइनस हो सकते हैं। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और चेंज करें, अगर प्रेशर के टर्म्स में लिखना हो, तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं। प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम कम होती, चीजें पास आ जाती हैं। तो अगर V2 ऊपर था तो ऊपर P1 आएगा और नीचे P2, तो ये इनके नोटेशन है। उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि अगर W पॉजिटिव है, ठीक है, न्यूमेरिकल में खाली इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, पॉजिटिव है, इसको बोलते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम, कि सिस्टम पर काम किया गया है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, यानी कि उसको पिचका दिया गया, ऊपर से उसके ऊपर धक्का लगाया, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम।
तो इसको बोलते हैं कंप्रेशन, कंप्रेस हो गया वो। जैसे साइकिल के पंप में तुमने हवा भरी, हवा भरने के लिए तुमने ऊपर से पुश किया, तो सिस्टम पर आपने काम किया है तो उसको कंप्रेस किया, तो W कैसा होता है? पॉजिटिव। अगर सिस्टम ने काम किया, तुम सिस्टम हो, तुमने जाके जिम में डंबल उठाए या कोई सामान तुमने लिफ्ट किया, तो वर्क डन हो गया बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। तो ये कहानी है। सेम चीज यहां पे भी रहेगी, साइन नोटेशन वैसे ही रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो ये मैंने आपको वर्क डन के और इसके फॉर्मूले बता दिए हैं, प्रोसेसेस हम लोगों ने देख ली है। इसके बाद हम देखेंगे इंथैल्पी के कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन, तो देख लेते हैं। यहां वहां से क्वेश्चंस आने के चांस है भी आपके। तो क्या होता है, देखें इंथैल्पी क्या होती है? इंथैल्पी होती है कांस्टेंट प्रेशर पर सप्लाई की गई हीट, क्यूपी। क्यूपी को ही हम क्या कह देते हैं? डेल्टा एच। कुछ फॉर्मूले आपने ध्यान रखने हैं इसमें। पहला है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला है इंथैल्पी का, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये दो फॉर्मूले आपने ध्यान रखने हैं। अब इसमें क्या क्या कंडीशन अप्लाई होती है वो हम अप्लाई करेंगे, याद नहीं करेंगे। पहला तो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हेन, कब ऐसा होगा कि डेल्टा एच और डेल्टा वी क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो कब हो सकता है ऐसे? जब ये दोनों टर्म या तो ये जीरो हो जाए या तो फिर ये पूरा जीरो हो जाए, तो डेल्टा एच डेल्टा ई के इक्वल आ सकता है। तो पहले वाले केस में देखते हैं। पहले वाले केस में क्या करो, अगर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम ले ली एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आप लोग जानते हैं डेल्टा वी उस टाइम पे क्या हो जाता है? जीरो। तो पहली वाली इक्वेशन से क्या आ जाएगा फिर? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। तो पहली कंडीशन तो ये हुई। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन में जो डेल्टा एन जी है, डेल्टा एन जी क्या होता है? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस स्पीशीज, डेल्टा एन जी। डेल्टा मतलब समझते हो डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, एजी मतलब गैस, तो प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। इसी के दो केस बनते हैं। पहला कि जो चेंज है वो जीरो आ जाए, चेंज आप निकालो तो जीरो आ जाए, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में सेम हो। जैसे हाइड्रोजन गैस, मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल दिया लेकिन मैंने गैस, ठीक है, और ये 2HIV क्या है? गैस है। तो प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं? दो। रिएक्टेंट में कितने हैं? एक हाइड्रोजन और एक आयोडीन। यहां भी कितने हैं? दो। तो चेंज कितना आ गया? जीरो। ऐसा नहीं कि गैसेस थे नहीं, लेकिन चेंज जीरो आ रहा है। दूसरा ये होगा कि कोई गैस टर्म हो ही नहीं। अगर गैस टर्म नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं इस बात का। क्लियर हुआ? तो ये फॉर्मूला है, इक्वेशंस में हमें अप्लाई करना होता है। जैसे इसमें चेक करके बताओ, डेल्टा एन जी चेक करके बताओ मुझे, सी प्लस ओ टू गैस गिव्स CO2 गैस, तो मुझे बताओ प्रोडक्ट में गैस के कितने मोल्स हैं और रिएक्टेंट में कितने हैं? प्रोडक्ट में गैस का एक ही मॉलिक्यूल है CO2, रिएक्टेंट में कोई है? सॉलिड वाले को तो लेंगे नहीं, सिर्फ गैस को लेना है, तो ओ टू गैस, तो ये वन, तो वन माइनस वन यहाँ पे क्या आ गया? जीरो आ गया। तो माइनस में भी आ सकती है वैल्यू, कुछ भी आ सकता है। तो इस तरीके से हमने इसे समझना है। फिर यहीं पे आप एक चीज और समझ लो, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो पता तो होगा ही वैसे तुम्हें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन किनको बोलते हैं हम? एक्सोथर्मिक जब डेल्टा एच का साइन कैसा आए? नेगेटिव, या आप कह सकते हैं कि डेल्टा एच जो है वो लेस देन जीरो हो। एंडोथर्मिक का मतलब हुआ एनर्जी क्या की जा रही है, गेन की जा रही है, तो डेल्टा एच कैसा होगा? तो डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो और पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम एक्सो एंडो भी बता सकते हैं। अब बात करते हैं हीट कैपेसिटी की, ठीक है, न्यूमेरिकल जो है हम अगले लेक्चर में करेंगे अलग से। तो हीट कैपेसिटी, तो देखो ये भी बहुत अंडरस्टैंड करने वाला टॉपिक है, हीट कैपेसिटी। मुझे एक बात बताओ, किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी चीज का, किसी भी इंसान का, किसी भी सामान का, अगर तुम उसमें हीट बढ़ाते हो तो उसका टेम्परेचर भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हीट बढ़ाई जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा,
सीधी सी बात है, क्या बराबर हीट देने से टेम्परेचर भी बराबर बढ़ता है? यानी कि आपने सुना होगा कि स्टील के बर्तन जल्दी गर्म हो जाते हैं, लोहे वाले को टाइम लगता है, ऐसे और अलग अलग बर्तन में अलग अलग गर्म होने में टाइम लगता है, जबकि हम गैस तो उतनी चला रहे हैं, दोनों के लिए बराबर उसी गैस में रखा है, उतनी देर के लिए रखा है। तो आप कहोगे सर नेचर पे डिपेंड करता है, ऐसे ही साइज पे भी डिपेंड करता है। साइज पे कैसे करता है? देखो जैसे हमारे पास एक चींटी है, ये मच्छर है, मच्छर हो और तुम हो, अगर दोनों को मैं लाइटर जलाऊं एक सेकंड के लिए, ऐसे लाइटर को ऑन करूं एकदम बंद करूं, मच्छर के साथ अगर ऐसा किया है तो मच्छर तो भुन जाएगा, जिंदगी खत्म। लेकिन यही तुम्हारे हाथ के साथ किया जाए तो तुम्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, हल्का सा एकदम से बर्न होगा बस, कुछ नहीं, ऐसा कुछ खास जलेगा भी नहीं, है ना, करते हो ऐसे खेल। तो मैंने एनर्जी तो दोनों को बराबर दी, लेकिन ज्यादा चेंज किस में आया टेम्परेचर में? मच्छर के, उसकी तो दुनिया ही बदल गई, लेकिन तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब जो चीजें हैं वो साइज पे, मास पे, अमाउंट पे डिपेंड करेंगी। तो इन्हीं सबको सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आता है जिसे सी से दिखाते हैं, और यही सी क्या है? हीट कैपेसिटी। ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा, ऊपर वाले फॉर्मूले से याद रख लेना। सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी, यूनिट बताओ इसकी। क्यू तो हो गया आपका जूल, डेल्टा टी या तो कैलविन में ले लो या तो डिग्री सेल्सियस, तो जूल पर कैलविन या फिर जूल्स पर डिग्री सेल्सियस, तो ये दोनों आपके यहाँ पे हो सकते हैं। तो इसे कहा जाता है हीट, हीट कैपेसिटी। उसके बाद हीट कैपेसिटी की भी टाइप है, जैसे मोलर हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? तो मोलर हीट कैपेसिटी में जब आप टेम्परेचर बढ़ाओ किसका, एक मोल का, तो आप बोलोगे C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी, यहां पे मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ मोल्स से, तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपके मोलर हीट कैपेसिटी का। तो इसे सी एम से दिखाएंगे। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? ऊपर तो आ गया जूल, जूल, नीचे क्या है? कैलविन, तो कैलविन इनवर्स, और नंबर ऑफ मोल्स तो मोल इनवर्स। इसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। अब मोलर से भी हमें फायदा नहीं हुआ तो हमने यूज किया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और स्पेसिफिक किया इसे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो ज्यादातर लिक्विड या गैसेस के लिए बात की जाती है। मास की बात करनी हो तो हम बात करते हैं, जैसे सॉलिड की बात करनी हो तो हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसे दिखाते हैं सी एस से, तो क्यू अपॉन डेल्टा टी, यहाँ पे इनटू आ जाता है मास, वहां मोल्स आए, यहाँ क्या आ जाता है? मास आ जाता है। तो ये हमारा एम क्या है यहाँ पे? मास है, और एन क्या है यहाँ पे? एन है मोल। तो यूनिट क्या होगी बोलिए? क्यू हो गया जूल, वो हो गया कैलविन, मास हो गया ग्राम। तो एक ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर एक डिग्री बढ़ाने के लिए लगाई गई हीट को क्या बोलोगे? स्पेसिफिक हीट। एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर एक डिग्री बढ़ाने के लिए लगाई गई हीट, मोलर हीट कैपेसिटी। किसी सब्सटेंस का, मोल हो, मास हो, कुछ भी हो, किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर एक डिग्री बढ़ाने के लिए लगी गई हीट, हीट कैपेसिटी होती है। क्लियर हो गया होगा? तो तीनों मैंने आपको ये बता दी है। अब हीट कैपेसिटी भी कंडीशन के हिसाब से अलग अलग भी होती है। एक होती है आपकी सीपी और एक होता है सीवी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देखो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरी क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब तुम्हें पता है सीपी, सी इज इक्वल टू क्या है? क्यू अपॉन डेल्टा टी, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे है तो क्यू पी लिखेंगे, ऐसे ही सीवी इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन डेल्टा। अब अभी हम थोड़ी देर पहले करके आए हैं कि QP मैंने बताया था क्या होता है। QP बेसिकली QP होता है डेल्टा H, तो फॉर्मूला बन गया डेल्टा H अपॉन डेल्टा T। और QV तुम लोगों ने अभी देखा था आइसोकोरिक में, जब वॉल्यूम चेंज जीरो था तो QV आया था, QV किसके इक्वल आ रहा था? इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा E अपॉन डेल्टा T। क्लियर हुआ? तो ये है आपके हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले अलग अलग तरीके से। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर अलग है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम अलग है, इनमें रिलेशन होता है CP माइनस CV इज इक्वल टू NR, जहां पे N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। तो खाली रिलेशन भी पूछ सकते हैं,
जैसे पूछ सकते हैं कि सीबी बड़ा होता है या सीवी, तो आपको पता है कि जो बड़ा है उसमें से माइनस किया जाता है, तो सीवी छोटा रहा होगा, कितना छोटा है, सीवी उधर चला जाएगा। तो सीवी में जब एन आर एड करते हैं तब वो सीपी के बराबर होता है, ठीक है। तो कितना बड़ा है उससे, एन आर टाइम्स बड़ा है, ठीक है, प्लस एन आर बड़ा है। तो ये होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद एक रेशियो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और एक चलो तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम सीपी बाय सीवी रेशियो, ठीक है। ये ग्रेजुएशन वाला पार्ट है, और पूरी थर्मोडायनेमिक हम एक ही उसमें कंबाइन करके करेंगे, ठीक है। रेशियो सीपी सीवी रेशियो, इससे क्या पता चलता है, सीपी सीपी रेशियो को गामा से दिखाया जाता है ऐसे, ठीक है। तो गामा गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट एटॉमिसिटी, किसके बारे में बताता है, अबाउट एटॉमिसिटी, मतलब गैस मोनो एटॉमिक है, डायटॉमिक है, ट्राइटॉमिक, कितने एटम प्रेजेंट है। इसमें वैल्यूज याद रखनी होती है, फिजिक्स में डेरिवेशन भी होते थे इसके। तो गामा की वैल्यू अगर कितनी दी हो क्वेश्चन में, 1.66, तो आप कहोगे इसका मतलब क्या है, जो गैस है वो कैसी है, मोनो एटॉमिक है। तो मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए ये वैल्यू होती है, मोनो एटॉमिक गैसेस, जैसे जैसे हमारे पास ओ टू है, नहीं सॉरी, जो डायटॉमिक होगी ना, जैसे हमारे पास है हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, कोई नहीं इनके साथ, तो ये मोनो एटॉमिक होती हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास गामा की वैल्यू कितनी आ जाए, 1.40 आ जाए, तो उन गैसेस को क्या बोलेंगे, डाई एटॉमिक। तो डाई एटॉमिक गैसेस कहा जाएगा, दो दो एटम जुड़े हों, जैसे ओ टू, एच टू, एन टू, इस तरीके से। फिर तीसरा होता है आपके पास 1.33, जिसको बोलते हैं ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक। तो हमारे पास है SO2, SO3, CO2 और O3, तो एक से ज़्यादा एटम अगर आते हैं तो ये होता है। ये वैल्यू आपने ध्यान रखनी है, और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, कुछ यूनिट कन्वर्जन याद कर लो, कुछ यूनिट कन्वर्जन न्यूमेरिकल में काम आ जाते हैं। अगर 1 लीटर ATM आ रहा है तो उसको याद रख लो 100 जूल, ठीक है। ऐसे ही प्रेशर के लिए याद कर लो 1 ATM, 1 ATM और 1 bar ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, तो बराबर ही याद कर लो। ये कितने mm ऑफ Hg के बराबर होते हैं, 760 mm Hg, प्रेशर की यूनिट है। एक फार्मूला ये याद रख लो, एक याद रखो कि 1 cm³ का मतलब होता है 1 ml, और 1 dm³ का मतलब होता है 1 liter। तो ये एक बात है, R की वैल्यू याद रखनी है यूनिट के साथ, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये होती है। दूसरी होती है हमारे पास 0.0821, ये होती है आपकी लीटर, सॉरी किसके लिए, एटीएम के लिए, ठीक है। किसके लिए यूज करते हैं हम इसे, एटीएम के लिए यूज करते हैं, या बार के लिए यूज करते हैं, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, लीटर एटीएम, लीटर एटीएम, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स सब में सेम रहेगा। फिर दूसरी यूनिट होती है, बार भी रख सकते हैं एटीएम की जगह। लास्ट यूनिट होती है कैलरीज में, 2 calories, तो सबसे बड़ी वैल्यू यहीं पर होती है, तो कैलरीज मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, क्लियर हुआ। तो ये कहानी हुई यहाँ पर, तो अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरा प्लेलिस्ट का। तो ऐसे बने रहिए, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।